हाँ अक्षिता, कहाँ हो तुम लोग? और अर्षित फोन क्यों नहीं उठा रहा? पिछले 2 महीने में सिर्फ एक ऑर्डर आया था, आज वो भी हाथ से चला गया। पिछला मार्केट में इतना पैसा फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिकवर करें। इंप्लॉयज को देने के लिए सैलरी भी नहीं है। अर्षित बहुत घबरा गया है। तो तुम समझाओ ना, मेरे मंगेतर होने के साथ साथ तुम उसके बेस्ट फ्रेंड भी तो हो। हाँ, पर मैं खुद बहुत घबरा गया हूँ अक्षिता। मुझे डर है कहीं बाइनरी कंप्यूटर्स का नाम मार्केट से ना मिट जाए। दी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, अकाउंट कैसे चेक करने, ट्रेडिंग क्या है, एसेट लायबिलिटी, कुछ समझ नहीं आता। शायद सब ठीक कहते हैं, मैं बहुत छोटा हूं ना बिजनेस संभालने के लिए। तुझे याद है पापा क्या कहते थे? बिजनेस में हमारे और क्लाइंट के बीच जो फासला होता है, उस पर हमेशा विश्वास के रिश्ते का पुल बनाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में यही रिश्तों के पुल काम आते हैं। हाँ, और ऐसा ही एक रिश्ते का पुल मैं अपने साथ लेकर आई हूं। मिस्टर त्यागी को सालों तक बिजनेस में सपोर्ट करते आए, अब से हम आपके साथ हैं। तुझे मैं आज राखी बांधकर अपनी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं दूंगी, बल्कि पापा की ये घड़ी बांधकर तुझे बाइनरी कंप्यूटर्स की जिम्मेदारी देती हूँ। फासले बना देती है। और जो बाइनरी कंप्यूटर्स का शिपमेंट है ना, उसको प्रायोरिटी बना लो। या हेलो मल्होत्रा अंकल, वो जो नए कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, आप कहें तो इस वीक मीटिंग फिक्स कर ले। अरे बेटा, मुझे लगा कि बाइनरी कंप्यूटर्स बंद हो चुका है। नहीं, अब वो कभी बंद नहीं होगा। पापा के जाने के बाद भी उनके रिश्ते के पुल काम आए। तुम बांधते चलो पुल, तुम बांधते चलो पुल। दीदी, आपने जो मुझे पिछले साल राखी बांधी थी ना, उसका तोहफा आज दूंगा मैं आपको। कौन सा तोहफा? ये रहा। ये क्या है? देखो देखो, कंपनी ने 40% ग्रोथ की है। यार मिठाई तो खिला दो। भाई तो खिलाओ भाई को, राखी बांधी मिठाई। तुम बांधते चलो फुल, हाँ बांधते चलो। रेडिंगटन ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करते आए हैं जो हर फासले पर उम्मीद का पुल बांधते आए हैं। रेडिंगटन, ब्रिजिंग डिवाइड्स।